काम करते करते शाम हो गई थी। हम दोनों प्रोजेक्ट पूरा करने में इतने मगन थे कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। कब खिड़की से आ रही धूप फर्श पर पड़ते पड़ते दीवारों पर पड़ी और कब दीवारों से अदृश्य होती चली गई, हमें इसकी कोई खबर ना थी। हमें वक्त का अंदाजा तो तब लगा जब अचानक बाहर बारिश होने लगी। खिड़की के सहारे बारिश की ध्वनि दबे पांव कमरे में घुसी और हमारे कानों को धीरे से पकड़कर हमें इस दुनिया में वापस खींच लाया। अपने कानों में उस ध्वनि के स्पर्श से वो थोड़ा मुस्कुराई और कंप्यूटर की स्क्रीन से निगाहें हटाकर खिड़की की तरफ देखने लगी। वो कुर्सी से उठी और बड़ी उत्सुकता के साथ खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने भी स्क्रीन से अपनी निगाहें उठाकर उस पे टिका दी। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। इस बात से बेखबर वो अपनी हथेलियां खिड़की के बाहर कर बूंदों के साथ ऐसे खेल रहे थे मानो कोई बच्ची खेल रही हो। जैसे ही उंगलियों पे एक बूंद पड़ती वो धीरे से उसे उछाल देती। उसके चेहरे पे ना सिर्फ खुशी थी बल्कि आश्चर्य का भी एक भाव था, मानो वो कुदरत का कोई अद्भुत नजारा अपनी आंखों के सामने देख रही हो। छोटी छोटी चीजों में ऐसी खुशियां ढूंढ लेना उसे हमेशा से खास बनाता आया है। उसे ऐसे खेलते देखना एक सुखद एहसास था। शायद हम अपनी प्रेमिकाओं में अपना बचपन ढूंढते हैं। मैं उस वक्त उसमें उसी बचपन को देख रहा था। फिर अचानक मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। उसने आंखें बंद कर अपनी सांसों में उस खुशबू को महसूस किया देर तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ मुड़कर देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ। ये देखकर वो थोड़ा मुस्कुराई और कहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ बहुत अच्छे, मैंने सिर हिलाकर कहा और एक कविता याद कर मंद मंद मुस्कुराने लगा। इस पे कुछ लिखा है, सुनाऊं? हाँ जरूर, उसने कहा और जिस उत्सुकता के साथ वो खिड़की के पास गई उसी उत्सुकता के साथ मेरे पास आकर बैठ गई। चलो सुनाओ। हाँ, कहते हुए मैं उसे वो पंक्तियाँ सुनाने लगा। बारिश की बूंदें बन जब आसमां से तू बरसती है, बारिश की बूंदें बन जब आसमां से तू बरसती है, मैं मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू सा महकता हूँ। दो क्षण के लिए उसने कुछ सोचा और उसका चेहरा फिर जैसे किसी फूल की तरह खिल गया। जिन उंगलियों से कुछ देर पहले वो बूंदों के साथ खेल रही थी उन्हीं उंगलियों के आगे वाले हिस्सों को आपस में मिलाकर धीरे धीरे ताली बजाने लगी। उस प्रशंसा की वैसे तो कोई ध्वनि नहीं थी, लेकिन उसने मेरे अंदर एक मधुर संगीत का सृजन कर दिया था। मैंने आंखें बंद कर एक हल्की मुस्कान लिए सिर थोड़ा झुकाकर उसकी प्रशंसा को स्वीकार किया। बहुत प्यारी है, उसने कहा, आज ये वाली इंस्टाग्राम पे शेयर करना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। कैसे लिखते हो ये, हमेशा की तरह वो पूछती और हमेशा की तरह मैं समझाने की कोशिश में असफल हो जाता। कुछ कविताएं हम जिए हुए पर लिखते हैं और कुछ हम अपनी कल्पना से गढ़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दुर्लभ और सुखद संयोग था कि कल्पना से कुछ लिखे हुए को मैं हूबहू उस वक्त जी रहा था। वो बारिश बनकर इस मिट्टी पर बरसी थी और मैं उसके स्पर्श से महक रहा था।